बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टैक्सोनॉमिक रेंज के बारे में बता दूं। पिछले हमने क्लासिफिकेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि हम ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज़ की बेस पे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम टैक्सोन या रैंक कहते हैं। टैक्सोनॉमी में द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैडर, कि ये हमारे पास जो ग्रुप हम इसके टैक्सोनॉमी में रैंक्स बनाते हैं वो एक लैडर के फॉर्म में होते हैं, जिसके हर रैंक को हम टैक्सोन कहते हैं। हमारे पास तकरीबन 7 रैंक या टैक्सोन हैं, जिस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है, सबसे बड़ा रैंक को हम किंगडम कहते हैं और सबसे छोटे रैंक को हम स्पीशीज कहते हैं। इसमें रिलेटिव स्पीशीज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म जीनस, के रिलेटिव स्पीशीज आपस में मिलकर जीनस बनाती हैं, और रिलेटिव जीनस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फैमिली, फैमिलीज ऑर्डर बनाएंगी, ऑर्डर क्लास, क्लास फाइलम, और फाइलम जो हैं वो ग्रुप टुगेदर होके किंगडम बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम देने के सिस्टम को हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा हम उस बारे में पढ़ते हैं कि अर्ली टाइम्स में क्या होता था। जब बायोलॉजिस्ट कोई भी नया प्लांट या एनिमल डिस्कवर करते थे, वो उसे अपनी मर्जी का नाम देते थे। अब ये नेम्स बहुत कन्फ्यूजिंग होते थे, क्योंकि हर दुनिया के मुख्तलिफ वर्ड्स में मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उस ऑर्गेनिजम्स को नाम देते थे, जो हमें समझ आ सकता था किसी और को नहीं आता था। इसी तरह क्या होता था कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट ऐसे थे जिसका एक ही नाम बहुत ज़्यादा प्लांट या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता था, वो भी कन्फ्यूजिंग था। जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे पास एक वेजिटेबल है लहसुन, जिस जो हम वेजिटेबल सब्जी का नाम है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में उसको गार्ली कहा जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ लैंग्वेज में उसका मुख्तलिफ नाम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। इसी तरीके से हमारे पास बेल शेप के जितने भी फ्लावर्स हैं, उन सबको ब्लू बेल कहा जाता था, ये भी हमारे पास कंफ्यूजिंग था। इस मसले को हल करने के लिए 1753 में एक बायोलॉजिस्ट थे, कैरोलस लीनियस, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। ही रिप्रेजेंट अ मेथड फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का। वो क्या है, उसके क्या रूल्स हैं, वो देखने से पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसके क्या पर्पस थे ये सिस्टम बनाने के। नंबर वन है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की सही तरीके से करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना। नंबर टू, गिव इंडिविजुअल नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक खास इंडिविजुअल नाम देना। द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली, अब उस ऑर्गेनिजम्स को जो नाम दिया जाएगा वो पूरी दुनिया में एक ही इस्तेमाल होगा, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगा। फॉर देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन बिटवीन सिमिलर नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब हम जो एक ही नाम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को देते थे उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। द नेम ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म शुड कम फ्रॉम जीनस, के ऑर्गेनिजम्स का नाम जो है उसकी जीनस से आएगा। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कैसे नाम देते हैं, उसके हम रूल्स देखते हैं। देखिए बच्चों, बाइनोमियल जैसे इसके नाम से पता है, बाय का मतलब है टू, नोमियल का मतलब होता है नेम, तो इसमें इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम, के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम उसके दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट नेम शुड बी ऑफ जीनस, उसके नाम का पहला हिस्सा उसकी जीनस का नाम होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम शुड बी कैपिटल, और जीनस के नाम के पहले वर्ड को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। द सेकेंड नेम इज द नेम ऑफ स्पीशी, और उस ऑर्गेनिज्म के नाम का दूसरा हिस्सा उसकी स्पीशीज का नाम होगा। ऑल द लेटर ऑफ स्पेसिफिक नेम शुड बी स्मॉलर, और स्पेसिफिक नेम के सारे लेटर्स को हम स्मॉल उसमें लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अंडरलाइन और इटैलिसाइज बोथ द जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम,
और उन दोनों जेनरिक और स्पेसिफिक नेम को या तो हम इटैलिक लैंग्वेज में लिखेंगे या फिर हम उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ होमो सेपियन की। होमो सेपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है होमो सेपियन। होमो सेपियन में अब जो होमो है वो उसकी जीनस का नाम है, सेपियन स्पीशीज का नाम है। जीनस के नाम के पहले वर्ड को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीशीज के सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में, और दोनों नाम को हम लाजमी अंडरलाइन करेंगे। अब इस टेबल में बच्चों देखो हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम्स बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले देखें पीस, यानी कि ये जो हमारे पास मटर का प्लांट होता है, पी प्लांट को हम कहेंगे, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। इसमें पाइसम इसका जेनरिक नेम होगा जिसके पहले वर्ड को हमने कैपिटल लेटर से लिखा, सेटाइवम इसका स्पेसिफिक नेम है जिसको तमाम लेटर्स को हमने स्मॉल लेटर्स में लिखो और दोनों के नाम को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब ये पाइसम सेटाइवम दुनिया के हर हिस्से में मटर के प्लांट के लिए, पी प्लांट के लिए यही वर्ड इस्तेमाल होगा, चाहे लोकल लैंग्वेज में उसको जो भी कहा जाता हो। कॉर्न, कॉर्न का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है जिया मेज, जिसमें जिया हमारे पास जेनरिक नेम है और मेज हमारे पास स्पेसिफिक नेम है। फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, जिसमें राना इसकी जीनस का नाम है और टिग्रीना इसकी स्पीशीज का नाम है, दोनों को हमने अंडरलाइन किया। कैट, कैट का बायोलॉजिकल नेम है फिलस डोमेस्टिका। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। मस्टर्ड प्लांट, पीछे हम पढ़ चुके हैं सरसों के पौधे को कहते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रस। अंडरलाइन नहीं किया था। तो आई होप सो बच्चों कि आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।